है अकल्पनीय। आइए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी, जहां पर एक छोटा सा बच्चा है। किसी भी श्लोक का पहला शब्द बोल दीजिए, वो आपको पूरा का पूरा श्लोक सुना देगा। और नहीं, उसका ज्ञान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आप खुद उससे मिलिए और देखिए। राष्ट्रक स्रोत बोलना बेटा। नमामि हमीशा निर्वाण रूपम भूमि आपकम ब्रह्म स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम त्रियम चिराकाशम आकाशवासम भज कारुण कारमूलम त्रियम ग्रायानुभूतिम सर्वेषम करालम महाकाल कालम कृपालम संसार पारम मत्वम तसाराद्य संकाशवम मनोभूत कूटी प्रवासी शरीर विस्फुरन मूल कल चारु मंगल सर्वाल वाले कंठे बदल। अगर आपको बच्चे की मासूम विद्वता पर अभी से प्यार आने लगा है या आश्चर्य हो रहा है तो जरा रुकिए। सनातन को हिंदू संस्कृति से जुड़े सभी ग्रंथों का इंडेक्स यानी विषय सूची भी कहा जाता है। जैसे डिक्शनरी में एक शब्द के आधार पर हम उसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं ना, उसी तरह बस एक शब्द बोलिए, उस शब्द से जुड़ी बाकी की जानकारी सनातन बाबू आपको बड़े प्यार से खुद ब खुद दे देंगे। प्राण कितने हैं? नाम प्राण और मत्स्य प्राण और विष्णु प्राण, भावर प्राण, नारायण प्राण, मार्कंड प्राण, अग्नि प्राण, भविष्य प्राण, ममवत प्राण, लिंग प्राण, भर प्राण, स्कंद प्राण, बामन प्राण, कर्म प्राण। सनातन अद्भुत है, उसका ज्ञान अविश्वसनीय है और वाक्पटुता अकल्पनीय है। दादाजी वो किस्सा बताते हुए गर्व से खुद फूल जाते हैं जब पहली बार उन्होंने सनातन की विद्वता देखी थी। क्या है कि इसकी दादी पूजा कर रही थी तो एक मंत्र बोलती थी, संपुट लगाती थी रामायण में, दीनदयाल व्रत संभारी अरुणनाथ मन संकट बारी, तो जी उसमें से जी बोलने ही सीखा था, तो उसमें से अंदर से आया पूजा में से उठ के दादी के पास से और मुझसे बोला कि दीनदयाल संकट बारी। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं बोलते, नमस्कार इस तरह से बोलते हैं। तो मैंने जब इसको बताया तो तुरंत ही इसको याद हो गया। बात सिर्फ गीता वेद पुराणों और धर्म ग्रंथों के ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान खगोल शास्त्र या दुनिया की किसी भी विषय पर सनातन उर्फ नमः शिवाय से बात करके देखिए, वो बस धड़ाधड़ शुरू हो जाता है, कुछ ऐसे जैसे सामने रखी तस्वीर देखकर बोल रहा हो। अच्छा, सूर्य उत्तरायण व दक्षिणायन सीमा कहाँ से शुरू होती है? संक्रांति। अच्छा, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? कम नहीं। अच्छा, ग्रह सूर्य की चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, मोबाइल चार्जर क्या होता है? अच्छा, ट्रांसफार्मर। अपने देश के सबसे बड़े गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला नन्हा सा सनातन लोगों के लिए अजूबा है। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपती हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें उससे मिलने आती हैं, लेकिन उसकी मासूमियत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो बस आता है, अपने ज्ञान से लोगों को हैरत में छोड़ जाता है और फिर से खो जाता है अपने खेल खिलौनों की दुनिया में। अच्छा, आपके जो ससुर साहब हैं उनकी इच्छा है कि ये बड़ा देश का अच्छा साधु संत बने, बड़ा ज्ञानी। हाँ। तो आप भी इसको साधु बनाने की इच्छा रखती हैं या जो कोई अधिकारी बने, क्या इच्छा है? अधिकारी बने। अच्छा, साधु बनाने की आपकी इच्छा नहीं है? मध्य प्रदेश का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। और अपने मुख्यमंत्री कौन थे सबसे पहले? रविशंकर। और राज्यपाल? पट्टाभी सीताराम। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे?